हेलो भाभी। अरे वंश, तुम इतना सालों बाद भी इंडिया में। हाँ, आ गए। कैसे आए? मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है, तुम इंडिया आ गए। अरे आ गए, तुम्हारे भैया देखेंगे कितने खुश होंगे। मैं तो बहुत। कहाँ भैया? कहाँ भैया? तो भैया ना तुम्हारे कुछ दिन के लिए शहर से बाहर गए हैं। मैं तो आया भैया से मिलने के लिए। तुम कितना दिन के बाद? मैं तो न्यूजीलैंड से आया भैया से मिलने के लिए, भैया ही बाहर गए। अच्छा, भाभी से नहीं मिलने के लिए आए क्या? अरे भाभी, आपसे भैया से दोनों से मिलने के लिए आया था। अच्छा वंश, आप बैठो बैठो, इतना साल के बाद तुम आए हो, आओ बैठो। ये बैग रख दूं मैं तेरी? हाँ इधर रखो वंश, टेबल पे रखो, बैठो बैठो। कितने बार तुम इंडिया आए, कितने दिन के बाद आए हो वंश? आया हूँ भाभी, सोच रहा हूँ अभी इंडिया ही सेटल हो जाओ। अरे कब से तो तुमने भैया बोल रहे तुम इंडिया में सेटल हो? हाँ, भैया ने मेरे को कॉल किया था, भैया मेरे को बोल रहे थे कि इंडिया आ जाओ, तो मैं आया तो भैया ही नहीं। कब आएंगे भैया? भैया आ जाएंगे 3-4। अभी तो तुम रहोगे ना इंडिया में? हाँ, अभी तो मैं ही रहूँ। कब से बोल रहे हैं ये वंश, तुम इंडिया में सेटल हो जाओ, शादी वादी कर लो। मैं भी यही सोच रहा हूँ, उधर का मेरा जो बिजनेस वगैरह सब यही सेटअप करके मैं इधर ही सेटअप हो जाऊँ। सच्ची में बहुत हो, भैया सुनेंगे कितने खुश हो जाएंगे, कितने खुश हो जाएंगे तुम इंडिया में सेटल होने वाले हो फाइनली। और बताओ वहाँ पे कैसा चल रहा है सब? सब ठीक चल रहा था, मैं सोचा मिल लूँ भैया से। भैया ने कॉल किया था कि आना तो मिल के जाना, इधर ही सेटल होना है, शादी वादी। तुम्हारे आज कल रात में ही गए हैं, उन्हें थोड़ा कुछ काम आ गया तो गए थे। आज तुम्हारे बताओ सब कैसे चल रहा है? सब बढ़िया है भाभी, एकदम बढ़िया है। शादी वादी करवा दो आप मेरी, मैं इधर ही आके सेटल हो जाता हूँ। चलो देर आए दुरुस्त है, हमारी इंडिया की ही लड़की से ही शादी। नहीं नहीं, वो तो मेरे को पता है, भैया जैसे बोलेंगे, भाभी जैसा बोलेगी मैं वैसे ही करूंगा। अब जल्दी से मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग जैसा बोलो। मैं तो सोची तुम ऑस्ट्रेलिया में रह के दो चार को गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बना लियो। अरे भाभी, गर्लफ्रेंड तो बहुत है, लेकिन शादी तो वही करूंगा जहाँ भैया भाभी बोलेंगे। अरे वाह, चलो संस्कार हमारे इंडिया के ही अच्छे है, और तुम्हारे में तो हमारे इंडिया के संस्कार कूट कूट के भरे हुए। कल से मैं तुम्हारे लिए लड़की देखना स्टार्ट करती हूँ। हाँ एकदम भाभी, जल्दी से जल्दी देखो, भैया आएंगे तो मैं सोच रहा हूँ मैं शादी करके इधर से चला जाऊँ। इनको जल्दी से फोन करके बुला लेती हूँ, फटाक से ये आ जाएंगे और तुम्हारे लिए फट से लड़की देखना स्टार्ट। इसको भाभी थोड़ा सा मेरा वहाँ रख दो, ये सब सामान सब टोटल उधर इस पर रख देता हूँ मैं। मैडम इतनी लेट आई हो काम पे? कौन है? ये हमारी घर की मेड है। इतनी लेट आई हो काम पे? काम पे कोई टाइम है काम आने का? घर में आ गए आदमी? नहीं भाभी ऐसे मत बोलो, हम लोग को उधर तो मिलती नहीं है मेड वगैरह, इनको अच्छे से रखो। लो लो कुछ खा लेना तुम, जो लो लो लो, तुम ऐसे मत करो, लो ये लो ये लो। ये क्या कर रहे हो? अरे अरे को होता है उधर, हम लोग को उधर तो है ना बहुत पैसे देने पड़ते हैं, आप इतना डांट रही हो चली जाएगी तो। ये भगवान वंश, यहाँ की काम वाली सब ऐसे। चलो जा तू अपने, लो सर पे जैकेट वहां टांग देना। किचकिच करते हो, कहाँ लाई लेट हुआ? अभी तो सुबह के 8:30 ही तो बजे है। पता है ना तुम्हारे घर हमें 6:30 बजे काम चाहिए। ये साफ कहे क्या? हाँ जाओ जाओ, अच्छे से रखो जाके। बहुत ब्रांडेड बहुत महंगा लग रहा है। तुम्हें क्या करना है साहब का? जाओ जाके रखो बढ़िया से। ऐसा करो मेरे को उनको बोलो ब्लैक टी आती है तो ब्लैक टी बना के ला दे, ब्लैक कॉफी। अच्छा जाओ साहब के लिए ब्लैक कॉफी बना के लाओ। जाती हूँ मैम साहब, फालतू का बहुत चिक चिक करते हो। हाँ साहब कहाँ रहते हो? एक काम करो जाके, तो कोई भी आता है तुम्हें पैसे देना नहीं चाहिए इसे। अरे भाभी ऐसा क्यों कर रहे हो, छोड़ो। तुम नहीं समझते हो वंश, यहाँ के काम वाली लोग को है, ये चुपी मेरे को पता नहीं, बात करके है ना लूट के चली जाती है। ये लोगों ने ऐसे सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, ये लोग बहुत होशियार होते हैं। मेरे को पता नहीं, हम लोग दे ना, हमको पता है तुम सीधे, तुम तो उसे फटाक से पैसे दे। अब वो क्या सोच, नॉर्मल ऐसे हम लोग तो देते हैं तो। अरे नहीं वंश, यहाँ पे इंडिया में ऐसा नहीं चलता है, इन्हें जितना भी डांट के रखा जाओ ना उतना अच्छा। अब तुम तो इन्हें 100 रुपए दे दिए। हाँ। अब तो मेरा माथा खराब हो जाएगा, ये 100 रुपए तो ले लिए, अब मेरे तो माथा पे चढ़ जाएगी। अब देखो क्या करती हो। चंपा ब्लैक कॉफी ले गया साहब के लिए। अच्छा वंश तुम फ्रेश होके कॉफी पी के थोड़ा रेस्ट करो। हाँ। मैं बगल में पड़ोस किया जा रही, मुझे कुछ काम है। ठीक है वंश, तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे भैया को भी फोन कर दूंगी, वो शाम तक आ जाएंगे। ठीक है वंश, मैं चंपा को बोल के जाती हूँ तुम्हें ब्लैक कॉफी देने के लिए। ठीक है थीक। चलो तुम रेस्ट करो। चलो फ्रेश होके आ गया मैं, अब मैं थोड़ा सा कॉफी पीता हूँ, उसके बाद में देखता हूँ।
साहब इसको बैग को मैं उधर रख दूं क्या? हाँ रख दो, कोई बात नहीं। साहब कॉफी कैसी बनी है? बढ़िया है, ठीक है। साहब मैं बैठेगी, बैठू क्या? बैठो। मामी बोल रही थी कि छोड़ो, देख दो। सर क्या करता है तुम उधर? उधर मैं, उधर मेरा काम है ऐसे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। शादी नहीं हुआ तेरा? नहीं इधर आया हूँ भाभी, अभी मेरी शादी होगा, इधर ही शादी होगा, इधर रहूंगा। आपका काम काम नहीं है क्या घर में कोई? काम है, अभी मैं सारा काम करेगी, झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब मैं करती है सर। घड़ी मेरे वहां रख दो, तो मेरा घड़ी बहुत महंगा है, 2 लाख का। बहुत महंगा लगता है। हाँ रखो रखो, उसको कुछ हो जाएगा तो। अरे भाभी मेरे को बोलेगी, तुम समझ नहीं रही हो। तुम क्या नाम है तुम्हारा? चंपा। कितना पैसा मिलता है तेरे को इधर? तुम मेरे को 800 ही मिलता है बाबा। बहुत बढ़िया, 800 में कुछ होता ही, अपना ही पेट चीज नहीं भरता। हाँ तो भाभी को बोलो, मैं बोल के भाभी को कुछ बढ़वा दूंगा तुम्हारे। मैम सब बहुत किच किच करती है। नहीं भाभी के लिए ऐसा मत बोलो, भाभी अच्छी है। अब मैं वैसे नहीं बोल रही साहब, मैम साहब बहुत अच्छी है, पर क्या है ना साहब, उनको बरोबर पैसे देते नहीं, तो मैम साहब मेरे को कहाँ से देगी, मेरे को बरोबर पैसे नहीं मिलते। नहीं भैया देते हैं एकदम पैसे, ऐसी बात नहीं है। वैसे साहब आप बहुत अच्छे हो, आपका ये फोन साहब बहुत महंगा है। बहुत महंगा है, ठीक है हम काम चलाते हैं। और बताओ। नहीं बाबा आप तो देख के बहुत पैसे वाले लग रहे हो। हाँ पैसे वाला हूँ तो। मेरे को क्या बोलने का कि मेरे को भी उधर ले चलो ना, मैं उधर ही काम। अरे उधर नहीं जा सकते ऐसे, पासपोर्ट लगता है, फोटो वगैरह पासपोर्ट सब लगता है। मेरे पास राशन कार्ड है, मैं दे दी। राशन कार्ड से भगवान कहाँ ठीक बोल रहे हो। मेरे को लेके जाओ ना भाभी, बोल मेरे को जाने का। अच्छा 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 सुनो सुनो मेरी बात सुनो, तुम अभी तुम काम करो, मैं अभी जाऊंगा तो तुम्हारा जो राशन कार्ड है मैं बता दूंगा तेरे को, वो लेकर आना। फिर मैं लेके चलूंगा। मेरे पास फोटो भी है। हाँ फोटो भी लेकर आना। भाभी कितना अच्छा से बोल के गई थी, मत दिमाग लगा। परेशान मैं बोल रहा हूँ ना। अच्छा ठीक है मैं लेके जाऊंगा, अभी मेरे को रेस्ट करने दो, आप उधर जाओ काम करो। रेस्ट करो, मैं यहाँ बैठेगी, मेरे को तो बहुत काम करना है। हाँ ये जाओ जाओ, हो गया। अरे आप जाओ ना उधर, कहाँ से जाहिल गवारी लोग इंडिया वाले यार, परेशान कर देते। गेट आउट, गेट आउट। मैं जा रही। नहीं आप जाओ एकदम, तुरंत जाओ, तुरंत जाओ एकदम, एकदम परेशान मत करो, मैं सर में दर्द हो रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ चला था एकदम। पढ़ते हैं नहीं जेहाती जाहिल, यही अमेरिका जाएंगे, अमेरिका को यहाँ ले आएंगे। आराम मेरे को आराम, और एकदम डिस्टर्ब मत करना मेरे को, आप चले जाओ एकदम डिस्टर्ब मत करना मेरे को। और फिर आप देख क्या रहे हो उधर, जाओ उधर, चलो जाओ अपना काम करो, लेट मी कंप्लीट योर वर्क। मैं थोड़ा थक गया हूं, थोड़ा सो। मेरे को एटीट्यूड दिखाता है, मैं अभी बताऊंगी, अभी ऐसे बताऊंगी ना समझ में आ जाएगा। मेरे को बोलता है जाओ 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 काम करो, मेम साहब मेरे को क्या बोलती है, अपना काम करो, मैं सबको बताएगी, अभी रुक जा, रुक मैं दिखाती है तेरे को कि मेरे को क्या करने का है, तू मेरे को जानता नहीं। देवर भाभी सब एक जैसे ही हैं। आज तेरे को मैं सलटाएगी और तेरे को लेके तेरा सारा चीज मैं भागेगी। मेरे को बोलता है, मेरे को ना बोलने का नहीं, मैं छोड़ेगी नहीं। अभी इधर पड़ा रहने का, मेरे को क्या, मेरे को तो मिल गया, मैं तो जा रही है, मैं जा।
कितना थक गई हूँ। अरे वंश सो रहा है अभी तक, उठा नहीं है। चंपा चंपा, वंश 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 को क्या हुआ? अरे अरे ये तुम्हारा हालत किसने किया? ये तुम्हारे हाथ किसने बांधे? अरे उठो उठो उठो, ये तुम्हारे साथ कौन किया? क्या हुआ क्या हुआ वंश, क्या हुआ? चंपा, ये चंपा कहाँ गई? ये चंपा कहाँ गई? क्या हुआ वंश, ये क्या हुआ? ये हालत तुम्हारे किसने की? अरे भाभी वो जो मेड थी ना काम करने वाली, चंपा देखो मेरे मोबाइल में पर्स सब कहाँ है मेरा? ही भगवान, ठीक बोलती थी भाभी आप मेरे को, मैंने तुम्हें समझाया था यहाँ मेरा पासपोर्ट था, मेरा सब ले गई, मैं कैसे जाऊंगा वहाँ पे? रुको मैं उसे कॉल करती हूँ, उसका घर यहीं पे है। सब ले गई उसने मेरे को, पता नहीं क्या डाला क्या रात में, मेरे को समझ नहीं आया। मैंने तुम्हें बोला था, रुको मैं उसे कॉल करके देखती हूँ, उसे कॉल करती हूँ। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। अरे किस्मत, वो भाग गई सब कुछ लेके, सब लूट गया। मैंने तुम्हें मना किया था, ये छोटे लोग पे भरोसा करने लायक नहीं होते। तुमने उसे टिप दिया ना, उसी वक्त वो समझ गई कि तुम कितने पैसे वाले हो। अरे मेरे उसमें सर्टिफिकेट लगा हुआ है, कौन इंसान अच्छा है कौन इंसान खराब है। बात तो मैं समझ गया इंडिया के, यहाँ के लोग है ना खास करके काम करने वाले और बाहर में घूमने वाले, हर किसी पे भरोसा किए बगैर नहीं रखना चाहिए। देखो वंश सब लोग खराब नहीं होते हैं, पर क्योंकि अब तो जितना जो कुछ जाना था चला गया वंश, अब अफसोस ही हाथ रह गए। देखो वंश, इंडिया में अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी हैं, और वो जो अच्छे लोग हैं ये बुरे लोग के वजह से वो अच्छे लोग भी बदनाम हो जाते हैं। ये बात तो सही बोल रहे भाभी जी, लेकिन मेरा तो जो गया तो गया, लेकिन मैं वीडियो जो बना रहे हम लोग ये इसी वजह से कि सेम टू सेम ऐसा ऐसा दिल्ली में मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था, उनके घर में भी ऐसे ही मेरे काम करती थी, इस वजह से हमने ये वीडियो बनाया है। और बाकी आप अपने घर में सावधान रहे, सचेत रहे, किसी के साथ में कुछ गलत नहीं हो, और ऐसी मेड पर कभी भी भरोसा ना करें। ऐसी मेड आदमी को लूट के चली जा सकती है, जैसे मेरी जैसी। हाँ इसकी जैसी, इसकी जैसी। So, मेरा एक्ट आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। वीडियो को ये वीडियो को किसी भी तरह का उद्देश्य से गलत मत लेना, क्योंकि ये वीडियो हम लोग सोशल अवेयरनेस पे बनाए हैं और एक तरह का सीख दे रहे हैं कि आप अपने घर में सावधान रहें। बॉम्बे दिल्ली में ऐसे ही लोग मेड लोग होती है, वो काम करते हैं, सब नहीं खुद बुरा काम करने का नहीं, समझा? चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए आज के लिए बाय बाय। ठीक है बाय। हमारी ये टीम है, हम लोग हम कैसा काम कर रहे हैं आप जरूर बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, करें और सब्सक्राइब करें, और देखो और बढ़िया बढ़िया चारा हो रहा है। हम लोग जैसा गरीब आदमी चंपा, तू जाएगी कि नहीं जाएगी इधर से? यही वाला भाषण डाटा है, चुपचाप निकल तू, तेरे कान के नीचे एक दुबे ना तेरे को, तो सीधा जाके तेरे बर्तन। हाँ हाँ, इसी का भाषण समझा रहे थे। अच्छा ठीक है, अब दोबारा से करो, दोबारा से करो, हम इसको अच्छे से बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है।